हेलो एवरीवन, तो फायर साइन सजिटेरियस के लिए आज रेडी होने वाली है सितंबर 2024 के लिए। देखेंगे कि कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए और क्या कुछ हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या रिलीफ, क्या चेंजेस, क्या गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर कोई निगेटिव चीज़ आएगी तो उसकी उसका भी उपाय मैं टैरोट कार्ड से ही बताऊँगा कि क्या हो सकता है, किस ऑब्स्टिकल से आप ओवरकम कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, तो हम आज रीडिंग में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपके लिए। सितंबर में कौन सा लकी डे नंबर अल्फ़ाबेट अच्छा रहेगा, कौन से जोडियक साइन के पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं सितंबर में, वो ये बताएंगे, चाहे वो बॉस हो, लवर हो, फ्रेंड हो या सोलमेट हो, कुछ भी। आपके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स भी बताएंगे सितंबर के लिए, और आपका कौन सा बॉडी पार्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा सितंबर में वो भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद टैरोट कार्ड, बाकी फिर ओरेकल डेक से भी देखते हैं कि क्या कुछ है। और यहाँ पे मैं कुछ गाइडेंस भी आपको बताऊँगा सितंबर के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप फायर साइन हैं, सजिटेरियस हैं, और ये सितंबर बहुत ही लकी आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये नौवा महीना है और सारे जोडियक साइंस में सजिटेरियस भी नौवे स्थान पर आता है, तो नाइन्थ प्लेस पर है आप की राशि सभी राशियों में, और मंथ भी नाइन्थ है, तो आप जान सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत जल्दी इसी मंथ में 9-9 पोर्टल भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये मंथ सजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए। तो लेट्स बिगिन विद टैरोट कार्ड, देखते हैं क्या कुछ है। नए टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ हमेशा से नए टॉपिक पर रीडिंग आती है, ज़रूरत के अनुसार से टॉपिक चूज़ कीजिए और देखते हैं कि आप क्या लाभ ले सकते हैं उस उन सब रीडिंग से। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड आ गया है, अपराइट में आया है 5 of Pentacles। सितंबर में धनु राशि अपराइट में आया है, तो एक बहुत अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि यहाँ अपराइट में आ गया है तो एक अच्छी खबर आपके लिए है। कार्ड उल्टा आना कार्ड का, आपको पता ही है कि कार्ड का जस्ट अपोजिट होता है, सीधा कार्ड का अपोजिट होता है उल्टा कार्ड। तो क्या कुछ है देखते हैं। पहला तो एक बहुत अच्छा कार्ड आ गया है आपके लिए, वाव। एक बात तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कंटिन्यू रही है, क्योंकि मैं कार्ड जो पढ़ूंगा आपको पता चलेगा क्या कुछ अच्छा हो सकता है। दीदी देखिए, बहुत खूबसूरत कार्ड है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है बिल्कुल। धनु राशि, पैसों की बारिश होगी। सो यहाँ मैंने पहले कहा था बहुत पावरफुल कार्ड है आपके लिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया है वो है 5 of Pentacles, फिर है 10 of Wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 3 of Pentacles, 2 of Cups। तो फर्स्ट अपराइट में जो कार्ड आया है, उल्टा कार्ड आया है 5 of Pentacles का, आप में से बहुत सारे लोग पैसों की किल्लत का सामना कर रहे हैं, या आपके पैसों की आपको बहुत ज़रूरत सख्त ज़रूरत है, पैसे आ नहीं पा रहे हैं, ये इस कार्ड से साफ साफ मुझे पता चला। लेकिन क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है, और इसका जब उल्टा कार्ड आता है कोई भी, तो उसका बिल्कुल भी अपोजिट मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि आपके लिए ये सितंबर पैसों की जो किल्लत है वो ख़त्म होने वाली है, आपका जो फाइनेंशियल लॉस था वो बिल्कुल भी अब बेनिफिट में और प्रॉफिट में बदलेगा। पॉवर्टी जैसी लाइफ थी आपकी, बहुत आप चिंता थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसों की किल्लत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो मुश्किल थी, कठिनाइयाँ थी आपके लाइफ में, बैड लक चल रहा था, वो बैड लक ख़त्म होने वाला है आपका। कहीं भी आप हाथ डालते थे किसी काम में, कोई काम करना चाहते थे, वहाँ काम हो के भी वो काम ख़त्म हो जाता था, अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाता था, और बिल्कुल भी किसी के साथ अलगाव की भावना भी हो गई आपकी, कई ब्रेकअप्स भी हुए आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, और बिल्कुल भी आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई कैसे स्टॉर्म आ जाता है आपके लाइफ में, जल जला आ जाता है, बिल्कुल भी चीज़ें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हैंडीकैप हो गए हैं आप, और बैड लक लगातार आपके साथ चल रहा है, हार्डशिप चल रहा है, मुश्किल कठिनाइयाँ, और
कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो गए, जो लोग आपके साथ थे आपके खिलाफ हो गए। तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन ये सब सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, सब कुछ सपोर्ट में आने वाला है आपका। जो भी अनसपोर्टिव चीज़ें थी अब सपोर्ट में बदलने वाली थी, जो निगेटिव चेंज आपके लाइफ में आया था वो पॉजिटिव चेंज में बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ 5 की एनर्जी है, तो 5 हमेशा ही चेंज को दर्शाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो चुकी थी, हेल्पलेस हो चुके थे, पैसे बंद हो गए थे आना, लेकिन अब वो चीज़ शुरू होने वाली है, एक बदलाव आने वाला है सितंबर में। और मैं आपको बता देता हूँ कि धनु राशि बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि सितंबर में आप बहुत सारा काम ले सकते हैं और बहुत सारा काम आपके पास आ सकता है। 10 ऑफ वैंड की ऊर्जा यहाँ पे ये कह रही है कि सितंबर में जो आपको काम की किल्लत थी, पैसों की किल्लत थी, अच्छा काम नहीं था आपके पास, प्रमोशंस भी नहीं हो रहा था, और जहाँ आप जॉब कर रहे थे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दी जा रही थी, वहाँ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी आपको, और आप बहुत सारा काम ले सकते हैं अपने हाथ में कंप्लीट करने के लिए। 24/7 काम करेंगे आप पैसों के लिए, क्योंकि पैसे आने वाले हैं आपके पास, और आपका हार्ड वर्क बिल्कुल जारी रहेगा सितंबर में। थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, जैसा कि पहला कार्ड में मैंने बताया, लेकिन वो स्ट्रगल ख़त्म होने का समय है, क्योंकि अब आप काम को अपने हाथ में लेंगे ख़त्म करने के लिए। जो डिले हो रहा था आपके पैसे आने में, या आपको कोई काम मिलने में, कोई वर्क में, जॉब में, मनी में, वो डिले ख़त्म होगा, और आपके लाइफ में लैक ऑफ फन भी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे सॉरी, लैक ऑफ फन जो है वो जारी था, लेकिन वो अब ख़त्म होने का समय आ गया है। फन रहेगा, काम करेंगे, कीप गोइंग रहेगा आपका सितंबर, बिल्कुल भी कीप गोइंग रहेगा, काम करते जाएंगे आप, उसका पे ऑफ होता जाएगा वन बाय वन। प्रॉब्लम्स थी, ओवरलोड थोड़ा सा रहेगा सितंबर में, क्योंकि इससे पहले आपके पास कुछ विशेष जिम्मेदारियां नहीं थी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, लोग भरोसा दिखाएंगे आप पे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो चाहे ऑफिस में हो, लोग भरोसा करेंगे, और आपको कुछ काम दिया जाएगा फैमिली की तरफ से या आपके बॉस की तरफ से, वहाँ आप बिल्कुल भी उस दायित्व का पालन करेंगे, और बिल्कुल 24/7 आप काम के बारे में ही सोचेंगे। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने मन से लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई लाद देगा आप पे, जिम्मेदारी ज़बरदस्ती दी जाएगी, आप काम की अहमियत को समझते हैं, इसलिए आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके पास रहे, और आप काम कंप्लीशन करके ही दब लेंगे, क्योंकि आपके एंड ऑफ सितंबर मुझे लग रहा है साफ यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स साफ इंडिकेशन कर रहा है कि न सिर्फ आपके पास पैसे आएंगे, बल्कि फेम, रिवॉर्ड, अवार्ड भी आ सकते हैं, कोई प्रमोशन मिल सकता है, फेम की भी वाइब है मुझे। तो अगर फेम के लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो सितंबर धनु राशि के लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। 9-9 पोर्टल तो आपके लिए खुल ही रहा है, साथ में आपको सपोर्ट कर रहा है 9 नंबर, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, क्योंकि आपके पास बहुत खूबसूरत समय आने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुलनेस भरा रहेगा आपके लिए सितंबर, और आप मुझे लगता है कि कुछ पावर्स आपके हाथ में आएंगे, और अपने अनुसार आप चीज़ों को चला पाएंगे। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि पैसे आप सेव करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और आप एक नई ऊर्जा में आ जाएंगे, एक नए पावर में आ जाएंगे, पैसों से आपको हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, पैसे आ रहे हैं, डोंट वरी, पैसे आ रहे हैं। धनु राशि में आपके लिए लकी कलर्स बताना चाहूँगा सितंबर के लिए, ये धनु राशि के लिए येलो एंड टारक्यूज कलर आपके लिए, सॉरी लाइट ब्लू, वाइट, क्रीम और ऑरेंज आपके लिए, लाइट ब्लू कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर, ऑरेंज कलर का प्रयोग करना अच्छा रहेगा। तो या तो कपड़े पहने, या इन सब चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, या इन सब चीज़ों से कलर से जुड़ी हुई वस्तुओं को आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। एंड यहाँ द चैरियट, तो चैरियट आपके लिए एक नया खुशी का जरिया लेके आ रहा है, आपका विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है आपको, सक्सेस मिल रही है आपको, अपने लाइफ में सक्सेस मिल रही है आपको, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका एम्बिशन पूरा होगा, जो भी आपका एम्बिशन है, जो गोल पूरा करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी पूरा होगा सितंबर में, क्योंकि
किसी काम पर फोकस रहेगा आपका, जिसके लिए आप आगे और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसके तरफ जाएंगे, जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री मिलनी तय है आपको। स्पोर्ट्समैन के लिए भी, आपके घर में कोई स्पोर्ट्समैन है जिसके लिए आप पॉजिटिव हैं, उनके लिए वॉरिड हैं कि स्पोर्ट्स में करियर कैसा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, डोंट वरी उनके लिए। या आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ होगा। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कंट्रोल आपके हाथ में मिलेगा किसी चीज़ का, जिसको अपने अनुसार आप यूज़ कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे आप ओवरकम कर रहे हैं सितंबर में, तो ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए। और देखते हैं कि और क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है धनु राशि, तो यहाँ आप किसी ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, किसी ग्रुप को, किसी संस्था को, सत्संग को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका लकी नंबर रहने वाला है सितंबर में 6, 5, 3 और 8, तो ये सभी नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। लकी डेज आपके लिए रहेगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और जहाँ तक अल्फ़ाबेट की बात है, तो ए, एम, एल और वाई आपके लिए अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट रह सकता है। हो सकता है ये अल्फ़ाबेट आपको किसी व्यक्ति से संबंधित हो, और आपके जो बॉस हैं, अगर आप किसी बॉस से डील करेंगे या आपके लाइफ में सोलमेट आएंगे, कोई ऐसा फ्रेंड आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, लवर होंगे, उनका जोडियक साइन एरीज और लियो होने की संभावना है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं फिर से टैरोट कार्ड की तरफ। थ्री ऑफ पेंटिकल, जैसा मैंने बताया, आप कोई स्किल डेवलपमेंट का काम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो। टीचर्स के लिए भी अच्छा समय है, प्रमोशंस हो सकता है, ऐसी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो लाइफ आप पहले चाह रहे थे जीना, या कुछ ज्वाइन करना, किसी ग्रुप, किसी क्लब को ज्वाइन करना, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है सेप्टेम्बर में। एंड यहाँ पे टीम वर्क से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा सितंबर में, तो टीम वर्क और कोलैबोरेशंस करना जहाँ भी है करियर वाइज वहाँ पे कीजिए, वहाँ पे भारी सफलता है आपको। अगर कुछ लर्निंग चाह रहे हैं करना, या टीचिंग करना चाह रहे हैं, या क्वालिफिकेशन नेक्स्ट किसी चीज़ का लेना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। स्टडी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। एंड डेडिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा सितंबर में, तो यहाँ पे अचीवमेंट रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है आपको, हार्डवर्क का पे ऑफ हो ही रहा है, और इक्वलिटी आएगी, जो आपको अलग थलग कर दिया गया था अपने फैमिली में या अपने ऑफिस लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, सब लोग ज्वाइन करेंगे आपको और आपकी अहमियत बढ़ेगी। एंड कुछ काम का जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा सितंबर में, इसकी काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं। तो गेट रेडी फॉर सक्सेस, कुछ गोल अचीव कर सकते हैं सितंबर में आप। और यहाँ प्यार का कार्ड आया है, तो सोलमेट आ रहे हैं, डोंट वरी, सोलमेट आ रहे हैं आपके लिए। लेकिन अगेन मैं वापस जाऊँगा आपके लिए, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी देख लेता हूँ, उसके बाद इस कार्ड पे आते हैं। तो जो लोग, मैं बता देता हूँ कि जो लोग अपने उम्र के, जो रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग अपने उम्र के 15वें, 24वें और 33वें साल में हैं, या 23वें साल में हैं, 21वें साल में हैं, उनके लिए सेप्टेम्बर ही नहीं बल्कि ये पूरा 2024 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, करियर वाइज भी, रिलेशंस वाइज भी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड आपके लिए जो करियर होगा, वो करियर होगा बिल्कुल भी अच्छा करियर, अगर चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी टीचिंग लाइन में आप प्रयास कीजिए, या आप टीचर्स हैं तो वहाँ आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। बैंकर्स के लिए भी अच्छा समय है, जो लोग एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में हैं, सिविल इंजीनियर है, ट्रेडिंग में है, मार्केटिंग में है, उनके लिए बहुत बड़ा बाउंस, बहुत बड़ा ग्रोथ, बहुत फ़ायदा और बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने के संभावनाएं हैं सैलरीज़ में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। फिर हम बैक टू द कार्ड, तो सोलमेट आ रहे हैं आपके डिवाइन की तरफ से, सोलमेट आ रहे हैं, डोंट वरी, कहीं ना कहीं लव एक्सचेंज की संभावना लग रही है सेप्टेम्बर में धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों आपको बिल्कुल भी प्यार मिलने वाला है, कोई सोलमेट मिलेगा आपको, कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, या आपके ग्रुप से, या आपका फ्रेंड में से निकल के आ सकता है या सकती है। तो आप लोग का प्यार, जो सिंगल है आप लोग हैं, तो प्यार शुरू होने के फिर से चांसेस हैं किसी के साथ, और यहाँ पे काफ़ी आपसी समझौतों के साथ प्यार शुरू होगा।
जहाँ आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है और ये प्यार आपको लॉन्ग लाइफ तक काम करेगा। पार्टनरशिप बन सकती है, किसी के साथ हो सकता है कि आप रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं, लैंड एग्रीमेंट कर सकते हैं। पार्टनरशिप बन सकती है किसी बिजनेस में भी, किसी के साथ क्लोज बाउंड बनेगा आपका, आप लोग हैप्पी कपल के तौर पर रिलेशनशिप में आने की संभावना है। आपका प्रपोजल आ रहा है आपको प्यार का, किसी को एंगेजमेंट के भी चांसेस हैं। धनुराशि वाले तो खुश हो जाइए, क्योंकि मैरिज, किसी ना किसी का मैरिज भी हो सकता है आप में से आने वाले कुछ दिनों में, या कुछ इस महीने 2024 में या सितंबर में। मुझे खास लग रहा है कि काफ़ी संभावना है कुछ लोग के एंगेजमेंट और शादियों के, तो काफ़ी खुशी आने वाली है और बहुत पोटेंशियल सोलमेट्स आने के चांसेस हैं। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि सोल आत्मीय साथी आपके लाइफ में आने की संभावनाएं हैं। और जो लोग रिश्तेदारों के साथ ख़राब हो चुके थे आपको, तो यहाँ भी आपको दोबारा वहाँ यूनिटी के चांसेस हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा सितंबर में, जो आपके लिए फार्मूला रहेगा वो रहेगा ऑनेस्टी, और बिल्कुल भी आपको इंडिपेंडेंस काम करना पड़ेगा यहाँ से। ऐसे आपके बिहेवियर से, ऑनेस्टी से, इंडिपेंडेंस काम करने की वजह से आपको सक्सेस मिलनी तय है। बहुत ज़्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है सितंबर में, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है किसी के साथ, और केयरलेस भी नहीं होना है। तो शॉर्ट टेम्पर तो आपको रहना ही नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं एक दो चीज़ और बताऊंगा कि कौन सा बॉडी पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए बताना ज़रूरी है, ताकि आप अपने किसी बॉडी पार्ट्स, अगर जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ आप ध्यान दीजिएगा सितंबर में, अदरवाइज़ वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखते हैं कि अदर डेक से कि एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड या जो भी गॉड हैं, एंजल हैं, वहाँ से क्या आपको मैसेज निकल के आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। लेट्स सी सितंबर धनु राशि के लिए। फादर स्काई ऑनटम, यानी ऑनटम भी कुछ होने वाला है आपके साथ। रेडी, गेट रेडी, तैयार रहिए। मून, ये मून कार्ड टैरोट डेक से अलग होता है। लेट्स सी और क्या है। और एंजल गार्डियन, तो ये चार कार्ड बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं धनु राशि वालों के लिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो कार्ड है फादर स्काई का, फादर स्काई की तरफ से आपके पास ये मैसेज है, ट्रस्ट इन द अननोन। अनजानी चीज़ों में आपको विश्वास रखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली जो सेंटेंस है, जो लाइन है, जो फॉर्मूला है, जो लोगों द्वारा कहा जाता है, उसमें आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ हो नहीं रहा है अभी। तो सितंबर वो समय है कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको हैप्पी लाइफ देगी। और यहाँ आप बिल्कुल भी सरप्राइज्ड होने वाले हैं सितंबर में, आपने जो नहीं सोचा था वो चीज़ होने वाली है, ये पक्का है। वो क्या चीज़ है वो आपके सब सामने फेस करेंगे, उसको उस समय आपको पता चलेगा। ऑटम, तो ऑटम के लिए तैयार रहिए, सीज़न बहुत मस्त है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, यानी कि ऑटम सीज़न आने के समय आपको बिल्कुल भी पुरानी चीज़ें रिलीज कर देनी है और नई चीज़ों का वेलकम करना है, क्योंकि नई नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। सितंबर एक नई चीज़ लेके आ रही है आपके लाइफ में, और जो ये सीज़न है, जिस मौसम के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है, ये मौसम आते के साथ, पतझड़ आते के साथ साथ आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो सारी निगेटिविटी आपके लाइफ से बिल्कुल चली जाएगी जो सर्व नहीं कर रही थी आपके लाइफ में, और आपके लाइफ में कुछ नया आएगा जो आपके लाइफ में नयापन तो लाएगा ही, साथ में आपकी बोरियत भी दूर करेगा, आपको लॉन्ग सक्सेस भी दे सकता है, किसी को करियर में, किसी को प्यार की सौगात भी मिल सकती है। एक गाना है ना, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, तो ये गाना याद रखिएगा। द मून कार्ड, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। देखिए, आपको आने वाले दिनों में कुछ ड्रीम्स में मैसेज आ सकते हैं, बहुत सारे मैसेज आ सकते हैं, उसको नोट कीजिएगा। कुछ इंट्यूटिव मैसेज भी आ सकते हैं, बैठे बैठे आपके मन में कोई विचार आ सकता है, उसको नोट कीजिएगा। दिन में या रात में सोते समय, सोने के दौरान आपके
आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे सकती है, कोई एंसेस्टर दिखाई सक पूर्वज दिखाई दे सकते हैं, कुछ मैसेज आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं आपको जिन पे गौर कीजिएगा और उनको अपने डेली लाइफ में मिला कर देखिएगा कि क्या आपने देखा और क्या हो रहा है आपके साथ। राह चलते आपको फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, आपको कुछ बर्ड्स, वाइट बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे सकते हैं, 11 11 11 11 एंजल नंबर दिखाई दे सकता है। ये सब चीज़ें आपको इंडिकेट करेंगे कि आप सही पाथ पे जा रहे हैं और आपके साथ सक्सेस भी साथ साथ आने वाली है। इंट्यूटिव मैसेज आएंगे, आप बहुत सी चीज़ों को जानने की शक्ति आप में आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को आप फेस कर पाएंगे अपने लाइफ में। एनिमल गार्डन का एक है मैसेज आपके लिए, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आप में कई सारी संभावनाएं हैं, इसे ना नहीं किया सकता। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट से काम बनेगा। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, हिम्मत नहीं हारना है आपको। आप में ऐसा बहुत सा स्किल है जिसकी बदौलत आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, अपने करियर में प्रमोशंस ले सकते हैं, कोई जॉब अटेंड कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या आप प्यार को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये मैनिफेस्ट करने के बाद आपको हासिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि सितंबर मुझे दिखा रहा है, मेरा इंट्यूशन दिखा रहा है आपके लिए कि कुछ ना कुछ आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आइए अदर टेक्स्ट से देखते हैं कि क्या है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि धनु राशि वालों के लिए हमेशा से जो बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है आपके थाइस एंड हिप्स। तो हिप्स और थाइस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। हो सकता है कि आपको हिप्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या थाइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज कीजिएगा, स्ट्रेचिंग कीजिएगा जिससे वो नॉर्मल बने रहे। ज़्यादा ओवरलोड एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, या आपको बिल्कुल भी गाड़ी चलाते समय या बिल्कुल भी इस तरह का जो काम करेंगे जहाँ हिप्स और थाइस का बहुत विशेष यूज़ होगा, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये आप ही जान सकते हैं कि आप अपने बॉडी पार्ट्स का कैसे यूज़ करते होंगे, किस ढंग का काम है आपका, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ठीक रख सकते हैं। तो धनुराशि वालों के लिए ये चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। बैक टू द कार्ड, देखते हैं कि यहाँ पे क्या ओरेकल मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, दो कार्ड्स यहाँ से लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे पहला कार्ड है आपका कैंसर, फुल मून कैंसर का कार्ड है। तो हो सकता है कोई कैंसर भी आपकी मदद कर सकता है या आपकी लाइफ में आ सकता है। ए पर्सनल इशू रेजोल्यूशन, तो आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं प्यार को लेके, अकेलेपन को लेके, उसका बिल्कुल भी निदान होगा, उस समस्या का समाधान होगा सितंबर में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बिल्कुल उम्मीद कीजिए कि आपके लिए बहुत ही पावरफुल चेंज आने वाला है सितंबर। मैंने शुरू रीडिंग के शुरू में ही बोल दिया था आपको कि आपके लिए पावरफुल होने वाला है सितंबर। मेरा ये इंट्यूटिव मैसेज था आपके लिए। तो न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यानी कि बहुत सारे बदलाव आपके लाइफ में आ सकते हैं, मल्टीपल बदलाव आ सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो बिल्कुल रेडी रहिए, गेट रेडी फॉर पावरफुल चेंज। लास्ट के फोर कार्ड्स बताएंगे देख के आपको कि और क्या बातें आपके बारे में बोली जा रही हैं गॉड एंजल द्वारा, और आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड या गॉडेस, स्पेशली गॉडेस के द्वारा कि क्या हो सकता है आपके लाइफ में, क्या करना है निगेटिविटी से दूर होने के लिए। लेट्स सी पहला कार्ड आ गया है, ये मनिया का कार्ड है। लेट्स सी सेकेंड कार्ड है, आई सॉल्ट का कार्ड है। तो फायर साइन सेजिटेरियस, बिल्कुल भी ये चार कार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैरी मैगडलाइन का कार्ड है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, यहाँ कॉर्डेलिया का कार्ड है, बहुत ही अमेजिंग कार्ड आए हैं। यमनिया का कार्ड है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कोई एक बड़ा मौका मिल रहा है आपको सितंबर में। इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वी वर्क थ्रू देम, यानी कि कोई एक बंद दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। कई सारे दरवाजे भी खुल सकते हैं आपके, ऑप्शंस खुल सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल आपको वहाँ प्रवेश करना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है आपको।
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई बड़ा करियर आपका, कोई बड़ा सक्सेस, पैसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये पैसे कहीं से भी आ सकते हैं, या तो आपका फैमिली से कंट्रीब्यूशन हो, बंटवारे के तौर पे हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं जॉब, वर्क, मनी, बिजनेस, कहीं से भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास सक्सेस का, तो बिल्कुल भी आपको प्रवेश करना है बिना सोचे समझे। बिल्कुल भी आप के लिए डोर खुल रहा है। ऑलरेडी मैंने कहा 9-9 पोर्टल आपके लिए है, स्पेशली सेजिटेरियस के लिए है, तो बिल्कुल भी आप इसको ग्रैब कीजिएगा अपॉर्चुनिटी को। 9-9 पोर्टल की रीडिंग मैं अगले हफ्ते आपको बिल्कुल भी चैनल पे अवेलेबल होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। आइसोल्ट का कार्ड है अनडाइंग लव। द लव यू हैव शेयर्ड इज इंटरनल रिगार्डलेस ऑफ ऑल सिचुएशन। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आइसोल्ट का प्यार आपके साथ है, जिस प्यार के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया वो प्यार बिल्कुल भी आएगा आपके लाइफ में, और जिन पर्सन के साथ भी आप हैं उनके साथ आप बने रहेंगे। यहाँ पे आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि फूल पौधों की सेवा करें, नेचर में जाएं, फॉरेस्ट में जाएं, थोड़ा सा जानवरों की भी देखभाल करें, उससे आपको फ़ायदा होगा, उन सब की दुआएँ लगेगी आपको। मैरी मैग्डलेन का कार्ड है, अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको यहाँ पे है। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। बिल्कुल लोगों के साथ सद्भावना का भाव रखें, अपने आप से पहले प्यार करें तब दूसरों से प्यार करें। अपने आप के अलावा दूसरों से प्यार करने का भी समय है। कोई पर्सन आ रहा है आपके लिए, कोई भी सिचुएशन हो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मैटर हो, बस अपने आप से लव योरसेल्फ और दूसरों से भी प्यार करें। बहुत अच्छी रिजल्ट इसकी मिलेगी आपको सितंबर में। धनुराशि आखिरी कार्ड है, कॉर्डेला का कार्ड है, गो आउटसाइड। आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इस वक्त, जब जब ये कार्ड आता है मेरा इंट्यूशन कहता है कि आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं, सिंगल हैं, या ऐसी सिचुएशन है आपकी कि बेचैनी है, शांति नहीं है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। वो एक मिनी वेकेशन ले लीजिए, वीकेंड पे कहीं चले जाइए। अगर नहीं जाते हैं तो अपने अपने बिल्कुल भी सिटी में ही आप जाइए, नेचर में जाइए। यू हैव बीन इनडोर्स टू, बहुत समय से आप काम के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में घर में ही बंद हैं। गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। बिल्कुल भी आपको एक लंबी सांस लेनी चाहिए, लोगों से थोड़ा दूरी भी कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने आप को पहचानने, अपने आप की खुशी के लिए थोड़ा सा आप थोड़ा अकेले भी समय बिताइए, और नेचर में कोई गार्डन चले जाइए, कोई रिवर के पास चले जाइए, कोई बागीचे में चले जाइए, जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो कि आप हैं और प्रकृति है, तो प्रकृति में जाने में आपको अच्छा रहेगा और आप में एक नई ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, थोड़ा आउटडोर जाने की ज़रूरत है आपको। घर में बंद रहने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताना होगा आपको। तो धनु राशि वालों, आपकी रीडिंग हो चुकी है सितंबर की, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।